हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल मोदी जी के द्वारा 5G की शुरुआत है जो कि देश में कर दी गई और इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर जो कि दिल्ली में करवाया गया। देखते हैं दोस्तों 4G और 5G के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्पीड के बारे में, 4G की स्पीड के बारे में बात करें तो थियोरेटिकली हम 100 Mbps स्पीड देखने को मिलती है, प्रैक्टिकली 33 Mbps। लेकिन वहीं पर ही 5G की थियोरेटिकली बात करें तो 20 Gbps और प्रैक्टिकली 50 Mbps से 3 Gbps के आसपास है जो कि देखने को मिलती है। वैसे लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन एक से दूसरी जगह पर जाती है, जो टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, उसको लेटेंसी कहते हैं। तो 4G में 50 मिलीसेकंड का टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करने में, वहीं पर ही 5G में मात्र और मात्र 1 मिलीसेकंड का टाइम है जो कि लगता है। इसी प्रकार से अगर मैं डिवाइस कनेक्ट की बात करूं तो 4G में डिवाइस कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कॉन्सर्ट के अंदर आपके बहुत जगह भीड़भाड़ वाले एरिया में, वहीं पर ही दोस्तों 10 लाख डिवाइस एक 5G प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि कनेक्ट कर सकता है। ठीक है गाइज, थैंक यू एवरीवन।